वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। ट्विटर पर सोमवार को हैशटैग जस्टिस फॉर केरला गर्ल्स ट्रेंड कर रहा है। इसमें कई यूजर्स केरला में सत्ताधारी पार्टी CPIM सहित शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। साथ ही यूजर्स ने हाल ही में केरल में 6 साल की बच्ची के साथ रेप फिर उसकी हत्या को लेकर भी न्याय की मांग की है। इसके अलावा कई यूजर्स ने दावा किया है कि केरल में हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। दरअसल केरल में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में जो शख्स पकड़ा गया है वह CPIM से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। पकड़ा गया CPIM यूथ विंग का नेता है। इस मामले पर अनूप कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कम्युनिस्ट शासन में केरला महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। इनके अलावा कई और यूजर्स भी ऐसी टिप्पणी करते नजर आए हैं। केरल में लड़कियों के लिए न्याय की क्यों उठ रही है मांग। दरअसल ताजा मामला 6 साल की बच्ची से जुड़ा है। केरल के इडुक्की जिले में एक लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। बच्ची का शव पिछले हफ्ते उसके माता पिता के क्वार्टर पर लटका हुआ मिला था। रिपोर्ट के अनुसार जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी बच्ची को मिठाई खिलाने का लालच देता था और उसके साथ रेप करता था। ये सब कुछ करीब 3 साल चला था। फिलहाल इस घटना में आरोपी को पकड़ लिया गया है, पर जब पुलिस 21 साल के इस शख्स को घटनास्थल पर अन्य सबूत जुटाने के लिए ले गई तो गांव वालों ने नारे लगाए और शख्स के साथ मारपीट की कोशिश की। इस बीच गांव वालों की झड़प पुलिस से भी हुई है। दूसरी तरफ इस मामले में ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय विधायक वजूर सोमन ने पुलिस से बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने को कहा था। पुलिस ने हालांकि इसके बाद भी पोस्टमार्टम करवाया और इसमें रेप की पुष्टि हुई। अब विधायक इस मामले में हस्तक्षेप करने के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस, मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, इंस्टाग्राम पर क्या फैला है, क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के, राजनीति में क्या हो रही है उठापटक, किसने किस पर कसा तंज, अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।